हम लोग चल रहे जी अमित भाई के यहाँ और किट्टो जी के यहाँ और मुलाकात करेंगे कृतिक से। अभी देखिए नमस्ते नमस्ते जी। हेलो जी, वही रखे गुन्नू का हैप्पी बर्थडे है। डेकोरेशन का काम चल रहा है जी, ब्लॉगिंग और इधर चल रहा है जी फंक्शन की तैयारी। बाकी सारे यूट्यूबर सभी कल आएंगे तो सभी लोगों से मुलाकात होगी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो फिलहाल जी सभी लोग यहां पर देख सकते हैं तैयार और सब लोग जो है जाने वाले हैं मार्केट। जी हम तैयार नहीं है क्योंकि हमको यहां पर जो है बेटे के साथ सो जाएंगे, वहां पर बेटा लेटा हुआ है, उसको देखने के लिए कोई चाहिए अभी कोई बात नहीं। और उसके बाद जो यह झोला देख सकते हैं बहुत बड़ा झोला है, सामान भी लगता है, भरके होगा तो सामान तो ये कपड़े के लिए इतना बड़ा झोला है। इसके लिए दीदी हंस रही है और दिन तो मैं आप लोगों से गंभीर बातें क्या करती हूँ, लेकिन आज यहाँ इतनी खुश हूँ कॉमेडी ग्रुप में आप लोग झोला दिया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, तो ये लोग जो है जाने वाली है और लड्डू महाराज इसको सोनू कराना है, लड्डू का सोनू का भाई ना लड्डू, सोनू का पापा और बाकी सोनू का जितनी भी महिलाएं हैं सब हैं, सब जा रही हैं, सोनू का भागीना और सोनू और सबसे मेन इंसान और ये कुत्ता और ये कुत्ता। चलो 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 तुम लोग निकलो जाओ। तो फिलहाल बज रहे हैं जी रात के 8 और इस समय हम लोग जो है तैयार हो गए और हम लोग जाने वाले हैं जी। तो हम लोग जिनके फंक्शन में आने वाले थे हम लोग उन्हीं के यहाँ जाने वाले हैं। आप लोग को लगता है नाम बोलने की जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने टाइटल में देख भी लिया होगा। तो हम लोग चल रहे हैं जी अमित भाई के यहाँ और किट्टो जी के यहाँ और मुलाकात करेंगे कृतिक से। को फिलहाल जो है यहीं पर छोड़ रहे हैं क्योंकि मौसम है जी बहुत ही ठंड और यहाँ दादा दादी बुआ सभी लोग यहाँ मौजूद है, इसके क्रियांश की देखभाल के लिए कोई भी दिक्कत है नहीं यहाँ पर और क्रियांश यहाँ पर मजे में खेल भी रहा है तो ये अच्छी बात है। तो हम लोग चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। और फिलहाल यहाँ सभी लोग जो है हमारा ये ब्लॉग देख रहे हैं, दिया ससुर चैनल का ही ब्लॉग चल रहा है टीवी पर। एक ब्लॉग के अंदर आपको मैं दूसरा ब्लॉग दिखा देता हूँ और गति के यहाँ पर हमारा सो रहा है भंजाला, अब इसके साथ सोते रहो तो सोता ही रहेगा, उठेगा। अच्छा, लेकिन अभी ये रात में उठ जाएगा, फिर अभी सोते रहो इसके बगल में दूध देते रहो तो सोया रहेगा। जब जब ये यहाँ आता है, जब कहीं मिलना रहता है तो ये कहता है मम्मी हम जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तुम तो अकेले होगी, इसको हमको देख बैठा हुआ देखा नहीं जाता है। हम डर से कर लेते हैं कि नाती खिलाते हैं पोता नहीं खिलाएंगे गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम दोनों को स्वीकार कर लेते हैं। जब तक घर के अंदर थे मौसम तो ठीक लग रहा था जी और अब जैसे ही घर से बाहर निकले मालूम चल रहा है ठंड है यहाँ पर। तो हम लोग जी सोसाइटी से तो बाहर निकल गए और सोच रहे थे कुछ मिठाई लेने का, लेकिन अभी जो है सारा शॉप जो है क्लोज है तो इसलिए सोचा कि कुछ तो लेकर के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। एक किराना दुकान बगल में खुला था तो वहीं से कुछ मीठा चीज ले लिया, उम्मीद करते हैं पसंद आएगा, अभी यही मिल पाया आप लोगों को। 20 minutes later. तो हम लोग जी आ गए अमित भाई की सोसाइटी के अंदर और फिलहाल लिफ्ट में और लिफ्ट लग रहा है कि अभी मेंटेनेंस में है तो चलते हैं सीधा अंदर। कॉल में रुपए जूता खोल लेते हैं यहीं पे। चलिए चलिए क्या अमित भाई सब निकल गए क्या? हम सब मार्केट गए, हम लोग नहीं गए। अच्छा अच्छा, अभी देखिए नमस्ते नमस्ते जी। हेलो जी, वही रखे ये रखिए, अभी रास्ते में बस यही मिला और कुछ नहीं मिल पाया। बिल्कुल जरूरी है, मुँह मीठा होना चाहिए। अरे मुँह मीठा तो ऐसे भी हो जाता है। कृतिक बेटा और जी कैसे हो? हम भी अच्छे। उनको देख के पहले मन कर रहा था, तब सबसे बात करें। जाओ जाओ मासी, जाओ 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 बेटा, देखो कॉपी होती है ना। हम नहीं गए, बच्चा कहाँ गया? क्यों छोड़ के आई हो? लेकिन बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंडा है, फोन किए बाहर है, घर के अंदर नहीं है। पर हम लोग के घर में सच में ठंड नहीं, देखो ना घर के अंदर रूम में नहीं लगेगा, बाहर में है थोड़ा सा। मशीन ये लगा दो यार, ठंडा लग रहा है। ये वाला करो ना, थोड़ा उधर बैठो। मुझे भी मौसम वैसे ही ठीक है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अच्छा देखिए ये लगा दो यहाँ पे, अंदर करा लेते हैं। और कृतिक महाराज बोल रहे थे ना घर के अंदर करा ज्यादा अच्छा है। मोबाइल ही खाएगा? मोबाइल तो नहीं, तुम्हें मोबाइल छोड़ दो। गुनू का हैप्पी बर्थडे है। गुनू हाय करो तो हाय करो गुनू, कहते मेरा बर्थडे है, सब लोग आ जाए मेरे बर्थडे में। सब लोग यहाँ आए, बहुत सारी बातें किए, वीडियो कुछ भी शूट नहीं किया,
अब गुन्नू के साथ मैं खेल रही हूँ। है गुन्नू, गुन्नू देख सकते हैं कितने सुंदर कितने लग रहे हैं। मेरे भोले बाबा हमेशा ही घर में हम लोग के साथ रहे और आप लोग के भी साथ रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है। तो कौन बनाया? पंडित जी आए थे, पंडित जी जो डेकोरेशन का काम कर रहे हैं। आलू गोभी मटर की सब्जी और रोटी। अच्छा। रोटी रोटी खा लो, बाद में फिर वही पूरी वगैरह ही मिलने वाला है। रोटी ही अच्छा लगता है, पूरी खाया जाए। और इधर किटो भी अपना काम पे लगी हुई है, कल से बहुत सारे गेस्ट आ जाएंगे। किटो हाँ, कल से तो बहुत सारे मेरे भाई आए तो आप आए, आप तुम जाना चाहिए, रहना चाहिए, फालतू अपनी दीदी के घर हो। नहीं रहेंगे ना बाद में। A few moments later. इधर चल रहा है जी vlogging और इधर चल रहा है जी function की तैयारी। एक एक फोन करना पड़ रहा है। बिल्कुल क्या सामान लेना है क्या नहीं लेना है। अमित भाई का जो है कुछ परेशानी, दो तीन दिन तक तो रहने ही वाला है। अच्छा खासा नहीं, हम तो सारी व्यवस्था कर लेंगे, सारी व्यवस्था कर लेंगे, तो भी फॉलो अप लेना होगा सब कुछ। फॉलो अप के लिए इनको हमको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और उसके बाद हमारा देखिए सारा काम एडवांस में रेडी है। बस जो कल चीजें होनी है उन सबको रिमाइंडर करें। हलवाई को वही तो काम है, वही तो भैया देखिए सोए तो नहीं थे। अच्छा मैं क्या कह रहा था, वो दीदी का सब्जी बन गया है और मेहंदी दिखाई है। दीदी बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर लगा है। सब लोग बोल रहे हैं यहाँ से लगा लो, शादी नहीं है, पूजा भी थोड़ा सा मैंने लगा लिया है। क्या कुछ नहीं, गेट वगैरह सज गया है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि साफ भाई और जिया जी आ गए हैं और यहाँ पे बाबू के बर्थडे से पहले कल सब लोग आए हैं, उससे पहले देखो ये सारी चीजें डेकोरेशन हो रही है। बहुत सुंदर लग रहा है, अभी बन ही रहा है। और ये मंदिर और यहाँ पे पूरा कैमरा लगा हुआ है, पूरा बिल्डिंग ही सजवा देंगे हम लोग। वाह कितना सुंदर लग रहा है। ए लिफ्ट में भी ऐसे लगा दो, कोई आएगा इधर भी इधर लगा दो। वाह बहुत सुंदर लग रहा है। अरे वहां जरूरत नहीं, यही ठीक है, वो फट जाएगा। नहीं ऊपर लगा दो ना, अच्छा लगेगा थोड़ा। तो अभी कुछ देर के लिए किटो जी बाहर गई थी, एकदम जग गया ये। सूंघता है, सूंघता है। क्रियांश भी ऐसे ही करता है ना। हम लोग कितना भी सुलाने की कोशिश किए, हम थे यार भैया थे, बिल्कुल भी नहीं सोया। तब अंत में जो हम लोग बाहर आए, मोटी हो जा बताइए, तब दोनों लोग का एकदम परफेक्ट जोड़ी लगेगी, एकदम मस्त। अच्छा बहुत ठीक है, जिया और पतली थी। नहीं अगली बार आई ठीक थी। अब एक टेंशन भी तो है जिया को, इतना टेंशन बस इस बात का है कि बच्चे को संभालना, और क्या। सबसे बड़ी टेंशन यही होती अरे है। जो बच्चा संभालता है वो जानता है, खाना बनाने को बना लो आराम से, बच्चा संभालो। तो पतली तो बनी सा है, साथी तो देखो और पतली है साथ। उसका उसका वीडियो चलता रहता है तो उसको लिए उसके पैर के लिए कमेंट लोग करते हैं। अच्छा। मेरे साथ वीडियो बनाई थी किचन में, पैर के लिए उसका अलग ही पैर भाग रहा था ना कमेंट। नहीं तो लेगीज भी छिपा काला पहनी थी ना, इसके वजह से पतला पतला पैर। ये भगवान कैसा कैसा बातचीत चल रहा है यार। लेगी 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 छिपका रहता है। नहीं यही कह पैर में टॉपिक, क्या टॉपिक है ये। नहीं तो वही करे, मतलब लोग सभी कैसा कैसा टॉपिक पकड़ लेते हैं। हमारे ब्लॉग में यही सब आता है, यही नेचुरल है, यही नेचुरल ब्लॉगिंग होता है कि जो बात किया वो आपको दिखा दिया। सही बात, सही बात है। और कृतिक आ रहा है ब्लॉगिंग में, मोटी हो गई हो, कुछ पतले हो जाओ, बुढ़ी हो गई, क्या करें। अरे आप देखिए जिया पतली है तो इसको करें मोटी हो जाओ, आप थोड़ा हेल्दी है तो करें आप पतली हो जाओ, तो ये तो शिकायत हमेशा लगा ही रहेगा। कोई बात नहीं, लोग ऐसे कभी देखो मैं तब पर, अब मुझे पता ना हमें क्या क्या करना होता है। पहले से मैंने अपना वेट इतना कम किया, साथ साथ भाई भी कहते हैं तब पर भी कभी कभी मोटी भैंस कहीं। नहीं नहीं बहुत बहुत वेट कम हुआ है आपका, नजर आ रहा है। लास्ट टाइम जो मिले थे इतना सही, मैंने इसका सिगरेट देख लिया, मैं आपको बना के पिलाऊंगी। अरे तो मेरा कौन सा ज्यादा वेट है, आपका ठीक है इतना नहीं रहेगा। वही तो फिर ऐसा कह रही थी, मतलब कि आपको हवा में आप अभी पूरा सेविंग अपना कर बनवा लिए थे क्या। हां बनवा लिए, मैंने समझ का ब्लॉग चल रहा था, तुमने देखा होगा मैंने थंबनेल भी ऐसे लगाया था, तो लोग सोचने लगे कुछ हो गया है क्या। कौन ने बोले फोटो खिंचवा लो थंबनेल के लिए, और आप लोग का पीछे ब्लॉग चल रहा था मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा जब मैंने ऐसे किया ना, क्योंकि मेरा ऐसे कुछ ब्लॉग में था, मैंने भी देखा था बट ब्लॉग खोल के नहीं देखा। हां तो लोगों को लग रहा है कि इनके बारे में कुछ चल रहा है। अच्छा फिर मैंने हमके सोचने दो, सोच रहे थे जिसको बोल रहे थे हमारा ब्लॉग पीछे चल रहा था। नहीं नहीं थंबनेल खिंचवा रहे थे, थंबनेल में खिंचवा रहे थे, तो आप लोग का पीछे वीडियो चल रहा था, तो आप लोग ही ऐसे आ गए पीछे कि लोग सोचेंगे कि इनके बारे में कुछ हो रहा है। अरे बाप रे बाप, ये चीज क्या रोटी। तो भाई साहब लग गया हमारा खाना, सब्जी बहुत ही अच्छा है, हमको देखने में अच्छा होगा। नहीं अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। 20 मिनट्स लेटर।
तो फिलहाल जी हम लोग आ गए हैं नैन्सी दीदी के यहाँ, और यहाँ पर आए हुए थे अमित भाई छोड़ने के लिए, और अमित भाई के यहाँ से अच्छा खासा समय बिताया। गाइस देखो सस्ता वाला गाड़ी है लेकिन मस्त है। अरे कोई नहीं, बहुत मस्त गाड़ी है, और हमको लग रहा है यही गाड़ी हमको लेना चाहिए था। देखो क्या होता है ना, हमारा हमेशा सोचना है कि लोहा वो हम पैसा ज्यादा नहीं खर्चा करने आप सही ये तो किये? 15 साल बाद जीरो है, जब हम प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करो वहाँ से माल डबल। जब हम अपना गाड़ी ले लिए ना, तब उसके बाद सोचे कि सेकंड हैंड ही पहले लेना चाहिए था, क्योंकि भाई जब नए नए गाड़ी सीखते हैं कुछ ना कुछ होते रहता है इसमें। इस पे देखो स्क्रैच स्क्रैच लग गया, भाभी यहाँ लेके गए थे किसी लड़के ने पूरा स्क्रैच मार दिया। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, बस बस 10,000 रुपए का पेंट चढ़ जाएगा फिर गाड़ी नहीं हो जाएगी। सही है। अब किट्टू एक दिन बोली नहीं नहीं तुम जाओ एक काम करो दूसरी गाड़ी लेकर, दूसरी जरूरत ही नहीं है मुझे। अरे आराम से थोड़ा सा, बिल्कुल आराम से चलाइए पूरा, जब लोग एकदम अच्छा गाड़ी बैठा। कुछ आवाज आवाज था नहीं हमको, तो हमको लगी नहीं रहा नहीं ड्राइवर है आप, गाड़ी भी एकदम नया ही लग रहा था। जब तक आप नहीं बताए होते ना हमको पता भी नहीं चलता कि राशद भाई एक दिन मुझे फोन किया जब मैंने गाड़ी ली थी, अमित भाई आप गाड़ी लिए आप तो मतलब ब्लॉगर आदमी हो, आप शोरूम वगैरह गए होंगे तो आपने कुछ वीडियो नहीं बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, रुको 700 रुपए पीछे कर। हाँ लग रहा है गाड़ी आ रही है उधर से, एक बार जरा गाड़ी पीछे कर ले फिर बातचीत करते हैं, आगे कर लीजिए। तो इधर जी गाड़ी लग गई है और अब जो है अच्छे से बातचीत करते हैं। तो बातचीत किस बात पर कर रहे थे हम लोग भूल भी गए। तो कोई बात नहीं जी, कल अमित भाई की यहाँ जो है पूजा है, बात हमारी गाड़ी को लेकर के हो रही है। गाड़ी में भी चमक है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे आदमी ही चमकदार बैठा है तो गाड़ी ही रहेगा ही, है ना। तो उसके बाद जी इनके यहाँ फंक्शन है, लगभग 3 दिन का फंक्शन है, हमारे यहाँ तो मात्र 1 दिन का फंक्शन था, उसमें मालूम था क्या हालत हुई थी हमारी। लेकिन अमित भाई थोड़ा सा ट्रेंड आदमी है तो संभाल लेंगे, एक्सपीरियंस ले रखा है फंक्शन का, और हमने सारी व्यवस्था एडवांस में ही कर दी है। और गाड़ी में अभी भी राशन पूरा भरा हुआ है जो माल बनेगा। बस बस बढ़िया है, तेल वेल रिफाइंड का सब डिग्गी में ही है, बस खाली फॉलो अप लेते रहना है, सब मस्त रहेगा। बस कुछ भरा हुआ है और भैया को फोन कर दिया है, भैया को माल एकदम एक से बढ़ के एक बनेगा। आप लोग सुबह सुबह नहा धोकर ब्रश मंजन करके पहुंच जाइए, हम तो कहेंगे ब्रश मंजन भी मत करिए, सुबह चलिए आते हैं। और उसके बाद बाकी सारे यूट्यूबर सभी कल आएंगे तो सभी लोगों से मुलाकात होगी, और फिलहाल चलते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा देर आपको नहीं रोकेंगे। ठीक ठीक बाय।